washroom shopping? ओके, सो मैं और हिम्मत पहुंच चुके हैं क्विकली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए. सो कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी पिक कर ली हैं, कुछ और पिक करेंगे एंड देन हम घर जाके बनाने वाले हैं राजमा राइस, जो कि हिम्मत के फेवरेट है. और उसमें मुझे फ्रेश टमाटर यूज़ करना अच्छा लगता है एंड टमाटर मेरे पास एक ही बचा है. सो मुझे टमाटर डालना अच्छा लगता है 5-6 राजमा में, इसीलिए मेरे राजमा दुनिया में सबसे बेस्ट बनते हैं. सो इसलिए हमें आना पड़ा. बाकी मोस्टली चीज़ें हैं एंड आज हिम्मत की आखिरी छुट्टी है, कल से हिम्मत स्कूल रहेगा, तो थोड़ा लंच की प्रेपरेशन भी करनी है. So let's do it quickly and then we are going. Hello dear, it's time to have rajma rice. So give me your soul. So आज ईस्टर है एंड हिम्मत लेके आया है अपने लिए कुछ ईस्टर का स्टफ. Eggs. More eggs. More eggs. I go gummy. ओके, सो मैं और हिम्मत वापस आ चुके हैं घर. हमने सोचा था कि हम हमारी शॉपिंग की वीडियो बनाएंगे, पर हम दोनों इतना ज़्यादा बिजी हो गए शॉपिंग करने में, मस्त हो गए, ईस्टर की चीज़ें खरीदना शुरू कर दी हमने, भूल गए हम लोग. अब हम घर पहुंच गए हैं एंड समय हुआ है 4:25. मैं ना डिनर की तैयारी करना शुरू करने वाली हूँ. सो डिनर के लिए मैं राजमा राइस बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो हिम्मत का फेवरेट है और मुझे एक दो हफ्ते में एक बार तो बनाने पड़ता है. वैसे मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, वो चाहता है कि एवरी डे बने. सो उसकी तैयारी करने वाली हूँ मैं एंड ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड आज के दिन का हमारा पहला चाका कप पियेंगे. ओके, सो हिम्मत ने एंड उसके पिताजी ने डिसाइड किया है कि वो पार्क जाएंगे एंड एक आधा घंटा स्पेंड कर लेंगे पार्क में. तब तक मैं यहाँ का क्लटर संभाल लेती हूँ एंड कुक कर लेती हूँ. थोड़ी सी ना पुदीने वाली चटनी भी बना लेंगे, क्योंकि वो किचन में होना और सॉरी फ्रिज में होना तो मैंने बड़ा मज़ा लगता है रोटी के साथ भी. और उसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे अगर देखना चाहें तो बहुत आसान है. एंड फिर मुझे एडिट करना शुरू करना है, क्योंकि आज मेरी प्लानिंग है कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ जो कि है होने वाली सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, स्टेइंग होम मॉम्स के लिए. क्योंकि हम अपने ऊपर ध्यान ही ना देते फिर सारा कुछ ख़राब हो जाता है. हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं घर की चीज़ें करने में भी और अपने ऊपर भी गुस्सा सा रहता है, क्रिटिसाइजिंग हो जाता है. पर अगर हम अपने साथ प्यार करें और सेल्फ केयर करें तो हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं और फिर डेली की जो चीज़ें हम चोर्स करते हैं थोड़ा खुश फील करते हैं. अदरवाइज़ यू नो दुखी हो जाते हैं हम लोग इतना काम कर करके. क्योंकि अगर आपके हस्बैंड मेरी तरह हैं या घर वाले हमारी तरह हैं तो अगर वो अप्रिशिएट ना करें फिर बहुत दुखी लगता है कि अनकंडीशनल चीज़ें करते जा रहे हैं और कोई रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है. सो अगर आपके हस्बैंड मेरे हस्बैंड की तरह हैं जो आपकी चीज़ों को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए होने वाली है. ना इतने खिलार के गल कर दी गई, शर्म तो नहीं आती? नहीं शर्म का दी मैं तो ये क्या कि जो तुम्हारे हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे मैं दस दिया की करो तो ये कहो कि मैं वध चढ़ के अप्रिशिएट करूंगा. अब वध चढ़ के हूं मैं किते चढ़ के तनु अप्रिशिएट सबनु कहो कि गाइस ये बहुत कम कर दिया ना, नु थोड़ा जा खुशी दे नाल अप्रिशिएट कर दोगे तो बस ना दी फीस सही है. अनकंडीशनल काम करते हैं हम लोग. कौन करता, सारे करते हैं. कोई किथे करते, बस खा के करन लून का आटा मीठा का आटा. अच्छा है यार, बस झूठ बोली जाओ, हां च हां मिलाई जाओ बिना गल तो. ओके नहीं प्यारीए, अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी चीज है, बहुत दिल ते तोड़े पत्थर डिग दे आ. करीदा नहीं करीदा, वद के करीदा, लाइक केदा कहीदा कि तुसी बहुत बढ़िया कीता, थैंक्स. मौका जदों आए कर लीदा. नहीं नहीं नहीं, तुही कहंदे है कि आंदे जांदे अप्रिशिएट ही करी जाइए. नहीं नहीं नहीं, जदा फूड इधरों तू नंगी इधरों मैं नंगा अप्रिशिएट करदा, इधर नु जांदा इधर नु तू आगी अप्रिशिएट करदा. ओके दोस्तों, हम लोग हमारे घर के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं. हमारी फीस सिर्फ इतनी है अनकंडीशन अप्रिसिएशन. हमें कोई अप्रिशिएट कर देना कि वो तू कर देना बहुत बढ़िया कीता, बस इतना. कोई फेकनेस नहीं चाहिए. नहीं पर आप लोग इतना रिएक्ट कर दे कि कुछ कीता ही नहीं, लाइक ये तो तेरी ड्यूटी है. हो नहीं बढ़िया. नहीं नहीं नहीं, मैं तेनु क्या होया कि मेरे अल्फाज़ां दी लोड़ नहीं है प्यारीए. ओके ए दस दे, ऑलरेडी appreciated ही हैं आपा सारे. नहीं नहीं, करन दी लोड़ हुंदी है अल्फाज एंड शो करन दी बहुत लोड़ है वर्ड्स दे विच, अदरवाइज नहीं पता चलदा. आई कैन नॉट रीड योर हार्ट. ओके, इफ आई फीड यू रियली डिलीशियस मील विद एवरीथिंग, तेरा दिल खुश हुंदा या नॉर्मल है तेरा दिल खुश हुंदा? ग्रेटफुल हुंदा हां की नलका मुहर पे खुश हुंदा ग्रेटफुल हुंदा आओ हां ते ग्रेटिट्यूड दिखाना बस जदों तू वधिया फूड बनाउनी है तेरा दिल खुश हुंदा
ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਵੀ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਰੀ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫੂਡ ਫਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਮਾਫ ਕਰੋ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੈਡ ਗਾਇ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਰੋ ਯਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਬੱਲੇ 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 ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਟਾਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਹਮ ਇਧਰ ਲਗਾਏਂਗੇ ਟੀਵੀ ਉਸ ਪੇ ਚਲੇਗੀ ਸਾਲੀ ਆਪਣ ਕੀ ਮੂਵੀ ਆਪਣ ਲਗਾਏਂਗੇ ਟੀਵੀ ਉਸ ਪੇ ਚਲੇਗਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਚ ਖਾ ਲਿਓ ਉਹ ਚ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲਿਓ ਉਹ ਚ ਸਾਫ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈ ਲਿਓ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚਾਹੀਦਾ ਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰ ਦੇ ਮਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਆਦਮੀ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਮੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਲਤਾ ਹੈ ਸਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਖਾਲੀ ਪਰ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਲਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਇਧਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਸ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੇਖ ਲਏ ਉਧਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਖਾਲੀ ਆ ਵਿਆਹੀਏ ਖਾਲੀ ਹਮਾਰਾ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਵਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਓਕੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸੋ ਫਿਰ ਰਾਜਮਾ ਰਾਈਸ ਬਣਾਏਂਗੇ ਬਾਹਰ ਗਰੋਸਰੀ ਪਿੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖ ਰਲਾ ਪਿਆ ਬੂਟ ਸੋ ਗਰੋਸਰੀ ਕੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤੇ ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਥ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਕਰੇਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਡਨ ਫੋਰ ਐਂਡ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਏਂਗੇ ਸਕੂਨ ਕੇ ਸਾਥ ਜਬ ਪਤੀ ਘਰ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੋਂਗੇ ਤੋ ਰਾਜਮਾ ਕੋ ਬੋਇਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਜੋ ਪੇ ਉਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਟਮਾਟਰ ਕੋ ਬੋਇਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਰਾਜਮਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਸ ਕਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨੋਟ ਬੈਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਈ ਆਈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਐਨ ਅੱਛੇ ਹਾਰਡ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਜੀਬ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੂੰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੋ ਹਮ ਬੋਇਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਰੱਖੇਂਗੇ ਦੈਟਸ ਆਰ ਟਮਾਟਰ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਮੇ ਹੀ ਰੱਖੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਮਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਤੜਕਾ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਫਲੇਵਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਥਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਮੈਨੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਮੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਮੇ ਰੱਖਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਕਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਲੀਨਰ ਲਗਾ ਲਗੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੇ ਇਸਕੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਮੇ ਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਇਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ
है हॉकिंस या कुछ भी, वो भी खराब हो जाते हैं. सो मत रख, ये बॉयल हो रहा है, ये हो रहा है, अब मैं करूंगी. और ग्रॉसरी को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया, क्विकली डिशेस को कर देते हैं ताकि ये जगह क्लीन हो जाए. सो मेरा है कि जब मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैं वेले खड़े नहीं हो सकती हूँ, मैंने होता कि एक टास्क और हो जाए साथ में, क्योंकि टाइम सेव करते हैं हम ना, हमें टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जल्दी सोना है, स्कूल डे है, एडिट करना है, अपलोड करना है, उसमें भी 2-3 घंटे जाते हैं, तो ज़्यादा हम समय की बर्बादी नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में. जल्दी से वॉश करते हैं, पहले मैं अपना ना एप्रन पहना. सो बहुत सारे दोस्तों को मेरा ये एप्रन अच्छा लगता है, ये मैंने अमेजोन से लिया है, ये जापानीज स्टाइल एप्रन है. ऐसा लगता है कि आपने ड्रेस पहनी है पर होता एप्रन है, क्योंकि ज़्यादातर मेरी कोशिश है, अब कोशिश करती हूँ मैं कि अच्छे कपड़े पहन के रखूँ मैं सारा दिन. उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो ये है कि मैंने नोटिस किया कि मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे क्लोथ्स हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ कि खास ओकेजन पर पहनेंगे, पर वो ओकेजन कभी आता ही नहीं है. और आपको पता नहीं है कि आपके पास कितना समय है, मे बी कल सुबह हमारे पास ना हो. सो ऐसे कपड़े जो आप डेली पहन सकते हैं, खूबसूरत कपड़े पहनते रहें, क्योंकि पता नहीं कल आएगा या नहीं, और वो खास ओकेजन आएगा कि नहीं, या फिर ट्रेंड भी चेंज हो सकता है और आप मोटे पतले कुछ भी हो सकते हैं, तो मज़ा लेते रहें चीज़ों का जो भी आपके पास है. और अब स्प्रिंग आ चुका है एंड मेरी कोशिश है कि मैं चीज़ों को डीक्लटर कर दूं, जो मैं डोनेट कर सकती हूँ उसको मैं डोनेट कर दूंगी, जो मुझे अपने ऊपर अच्छा नहीं लगता है या जो चीज़ें थोड़ी सी भी ख़राब है, लाइक फटी फुटी जो मैं फिक्स नहीं कर सकती, उसको भी हम रिड ऑफ करेंगे, क्योंकि इतनी लंबी लाइफ नहीं है कि उन्हें भी मैं यूज़ कर देना. अलमारी को हल्का फुल्का कर लेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया है कि मैं नई चीज़ों की शॉपिंग नहीं कर रही, लाइक कटो कट किन्ने. तो लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग की थी अक्टूबर में, जब हम इंडिया जाने वाले थे, और अक्टूबर में की थी चीज़ें, धीरे धीरे नवंबर में आई, और उसके बाद मैंने कुछ भी खरीदा नहीं है. कितने महीने हो गया, एक भी चीज़, नॉट अ सिंगल पीस. और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं 6 मंथ्स हो गए, मैंने एक भी सिंगल चीज़ नहीं खरीदी है, और मैं एक भी सिंगल चीज़ खरीदना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसे यूज़ करना चाहती हूँ या जो भी किसी तरह भी यूटिलाइज करना चाहती हूँ. सो फिलहाल सेइंग नो टू एनी सॉर्ट ऑफ शॉपिंग, टोटल नो. अगर आप राजमा की रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो मेरी रेसिपी बेस्ट है, कुकिंग चैनल पे है, ज़रूर से देखें, और एक्चुअली इसी चैनल पे भी है. आप ऐसे राजमा बनाएंगे ना तो सब लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे किसी भी सब्सक्राइबर ने अगर उसको ट्राई किया है ना, उनको बहुत तारीफ. सो आप भी ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है. अगर आप इस तरीके से बनाना शुरू कर देंगे ना, और कोई तरीका यूज़ नहीं करेंगे कभी भी. ओके, सो हिम्मत की दोस्त थी. ओके, हिम्मत की दोस्त आई थी पर वो सैड हो गई, क्योंकि हिम्मत पार्क चला गया है और वो अकेले जा नहीं सकती, और उसकी मम्मी थोड़ी बिजी है. सो मैंने उसको कहा कि जब हिम्मत आएगा तो तुम्हारे घर भेज दूंगी मैं उसको. पता नहीं हिम्मत कब आएगा, और कितने दिनों के वो एक दूसरे से मिल नहीं पाई, क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर गई थी. सो आई थिंक 2-3 दिन हो गए, और इतनी देर ये रहते नहीं है एक दूसरे से.
ओके सो राजमा बन चुके हैं, चटनी बन चुकी है, पौधों को फर्टिलाइज कर दिया है मैंने, बर्तन फिर से हो गए धोने के लिए, इनको धो देते हैं। सोच रही थी सुकून की चाय पीऊँगी, हस्बैंड एंड हिम्मत के आने का ही समय हो गया, एक घंटा हो गया उनको गए, एक घंटे से मैं काम कर रही हूँ। सो स्पून की चाय नहीं पी पाएंगे मुझे लग रहा। व्हाट यू गाइस थिंक, पी पाएंगे क्या? हमारी ज़िंदगी में सुकून है? और जब वो आएंगे और मैं सुकून की चाय पीऊँगी और कहेंगे लग तो कीता ही की। सो जल्दी से प्लांट्स को उनकी जगह जगह पे रख देते हैं। इस प्लांट के बारे में स्टोरी आपको मैंने बताई है या नहीं? जल्दी से बता देती हूँ अभी। ओके दोस्तों, तो ये प्लांट मैं लेके आई हूँ वॉलमार्ट से। लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है, कितना फुल हैप्पी। एंड ये मुझे सिर्फ मिला है $12 में। कैन यू बिलीव कि इतना अच्छा कलेथिया सिर्फ $12 में? ओके सो इसी रात जिस दिन मैं ये प्लांट को लेके आई, इसी रात ये मर गया। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है कि जो मैं प्लांट खरीद के लाई हूँ 5-6 घंटे में ही वो डाई हो जाए। सो उसकी हालत कुछ इस तरह की थी एंड मैं तो हैरान होगी, ये अगली सुबह है और पूरा फुल ऑन डेड। सो सारे डेड लीव्स को काट दिया है मैंने, अब ये दोबारा से बेचारा सर्वाइव कर रहा है। लेट्स सी। मेरा प्लांट मर गया। सो क्विकली राइस भी बना लेते हैं, उसके बाद ही चाय पियेंगे। सानू चैन तो नहीं आता है ना वैसे। आई लव इट कि जब आपने काफ़ी चीज़ें कुक की हो, काफ़ी कचोला बनाया हो और जब आपकी कुकिंग ऑलमोस्ट डन हुई हो एंड आपकी किचन भी क्लीन हुई हो, अब सगुन की चाय पी पाएंगे। आई विश कि हस्बैंड एंड हिम्मत 15 मिनट और लगा दे पार्क में ताकि थोड़ा मी टाइम मिल जाए। केक खाने वाली हूँ जो कि हम कॉस्को से लेके आए हैं। काफ़ी ज़्यादा मीठा है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत भूख भी लग गया। मैंने अर्लियर 11 के अराउंड कुछ खाया था और 6 बज गए हैं। आई एम हंग्री। वैसे रेकमेंड नहीं करूँगी मैं आपको खाएं बट खा सकते हैं। मेड वाली वेशभूषा को उतार देते हैं एंड मालकिन वाले कपड़े पहन लेते हैं। ओके एक्ट। ओह खाना बन गया, बहुत अच्छा हुआ। तुम भी खा लो और उसके बाद तुम घर चले जाओ, मेरे लिए चाय बनाइए। थैंक यू। ओके मैं पी लेती हूँ, अब तुम भी आराम कर लो। मैंने प्लांट्स को पानी दिया था ना, कोई गमला लीक हो रहा था, पानी पानी हो गया, अब उसको भी क्लीन किया मैंने। ओह गॉड। ओके गाइस, तो खाना रेडी है, अब सर्व करेंगे। मेरे हस्बैंड भी आ रहा था, कल्ले खाना पसंद कर गया यार। किड्डी जोर से मारता मेरी ना उंगलियों दे जोड़ों च दर्द हो रहा यार। तू फ्रॉम दी चुकता हूं तो यार। हाय रे भाई, ना की करा इस बंदे का। सो अप्रिशिएट खा के करियो, झूठा मत करियो, झूठा मत करियो, रियल असली खुदा जो तेरे दिल च आऊगा करियो।
ਜੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਫੂਡ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਨਕਲੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਫਾਈਵ इन्फिनिट आउट ऑफ टाइम फाइव ओके सो खाने का समय आ गया है मैंने इसके साथ चटनी बनाई है एंड सैलड हस्बैंड ने इतना जहाँ कटिया हैगा अपने लिए सिर्फ एंड ऑल्सो एंड हस्बैंड फेक रिव्यू दे रहे गाइस तुम्हारी राजमा की तरी तो ऐसा है जैसे बकरे की तरी बिल्कुल सेम बनिया मिम्मी अगर मैं राजमा की रेसिपी भूल गई किसी दिन Oh my gosh. There's something in there. So guys, there's three of us, so we're gonna split this. And for some reason, it's already open. Ooh, what is in there? Gummies, maybe we can eat them with this. Okay, so my mom's gonna split it up for us, so let's get it. Okay. Oh, what did you? खाना पीना हमारा हो चुका है समय हो रहा है 9:30 बजे मैं बेड पे जाना चाहती हूँ जिसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है क्योंकि मैं वीडियो को अपलोड भी करना चाहती हूँ एंड वीडियो आज मैं अपलोड करने वाली हूँ सेल्फ लव फॉर हाउसवाइव्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर से देखें बहुत ही प्यारी वीडियो है जो भी मैंने माड़ी मोटी इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ एंड देखते हैं कब अपलोड होती है अभी मैंने एडिटिंग फिनिश की है वो सेव होगी देन अपलोड होगी काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है देखते हैं कितनी देर लग दिया एंड किचन को मैंने ऑलरेडी क्लीन कर दिया एंड मेरे इस कैमरे की सारी बैटरीज ख़त्म हो चुकी हैं और पता नहीं गुड बाय